हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और मानसून की बारिश के बाद कुरुक्षेत्र की आधा दर्जन कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद यहां सरस्वती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद नदी के साथ बनी कॉलोनियों में पानी भरना शुरू हो गया है। हालातों को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया और इस वक्त मोहन नगर, डीडी कॉलोनी, गुजराती कॉलोनी, खेड़ी मारकंडा गांव में पूरी तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर हुए जलभराव के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। बारिश का पानी खेतों में भर जाने की वजह से किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब किसान मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने यह भरोसा भी दिया है कि किसी भी हालत से निपटने के लिए वो तैयार हैं। यदि सारे घरों में पानी बढ़ रहा है, मुख्य कारण तो ये है कि सरस्वती की सफाई ना होना। सरस्वती की सफाई ना होने के कारण सरस्वती के अंदर बहुत मोटी मोटी मिट्टी की परतें जमी हुई हैं और टीले बने हुए हैं, जिसके कारण से जो है पानी कॉलोनी में आ जाता है। गलियों में सारे पानी भर जाए, घरों में पानी भर जाते हैं, निकालने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार से यही निवेदन है इसकी सफाई जल्द से जल्द करवाए और पानी निकालने का कोई भी छोटे बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, कुछ काम उनके लिए जो समस्या बन गई सर। बस नहीं आ रहे हैं, लोग जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे घर में बैठ जाते छुट्टियाँ करके, बच्चे तो उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। देखिए, बेशक विधायक रात खुद मैदान में उतरे हों, पर हालात बिगड़ने के बाद अगर आप मैदान में उतरे तो फिर उसको आपकी असफलता माना जाएगा, क्योंकि अगर हालात काबू करने थे तो ये सब के सब इंतजाम पहले होने चाहिए थे। बहरहाल अभी लोग मुसीबत में हैं और बरसातें बाकी हैं, देखना होगा कि प्रशासन आगे इस आफत पर काबू पाएगा या नहीं। हरियाणा न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साहब।